कैसे हैं? शनिवार है 3 अगस्त 2019 है और मार्केट क्लोज हो चुका है। फ्राइडे का 1 तारीख का जो मार्केट क्लोज हुआ है और वो कहीं ना कहीं एक बुलिश पैटर्न दिया है, सिर्फ इसलिए कि FII पे कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ दिया है कि फादरिंग का कुछ कंसेप्ट लगेगा, इसके कारण थोड़ा सा एक रिकवरी आया है। अगर आप मेरे पुराने प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो मैं बेरिश ट्रेंड आपको बता रहा था कि अभी भी बाइंग नहीं आ रही है और अभी भी कुछ भी स्ट्रक्चर आ जाएगा ये बाइंग नहीं है, बेरिश मोड में ही है। मैं आपको एक चीज़ बताया था कि आपको FII के डाटा को वीकली बेसिस पे वॉच करना चाहिए, आप उसको वॉच पे रखिए। अगर वहाँ पे कहीं पे आपको बाइंग पैटर्न दिखने लगे तो आप समझिएगा बाइंग आ रहा है। मुझे लगता है जिस तरह से अब 11,150 क्रॉस करना इसके लिए टफ है, तो हो सकता है मार्केट कुछ दिन तक 10,800 से 10,300 11,300 के रेंज में आपको देखने को मिले। बहुत दिन तक भी हो सकता है कि इसी रेंज में ऊपर नीचे करता रहे, फिर उसके बाद वहां से एक ब्रेक करेगा और 10,500 10,600 को टेस्ट करेगा। तो बिरिस मोड में रहना आपके लिए ज्यादा अच्छा है, बिरिस मोड पे ही रहे। बुलिस मोड पे कभी कभी जब फॉल किया है तो थोड़ा मोड़ा अपसाइड दिखता है तो उस पर नहीं जाए, बिरिस मोड है। मुझे नहीं लगता कि 11,300 किसी भी हालत में क्रॉस होगा, तो आप 11,300 के स्टॉप लॉस से भी चाहें तो आप बने रह सकते हैं और नीचे बिरिस मोड ही है टिल FII की बाइंग नहीं आती है। जो 1 तारीख को क्लोजिंग हुआ 10,997 पे क्लोज हुआ है, 17 पॉइंट का गेन है। एडवांसेस 25 है, डिक्लाइन 25 है, इक्वल है। जो गेनर है भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट, एसर मोटर, बजाज ऑटो, मारुति, और जो लूजर है इंडिया बुल, टाटा स्टील, SBI, कोल इंडिया, विप्रो। इंडेक्स की बात करें, सेक्टर की बात करें तो बैंक, ऑटो सभी लगभग, ऑटो ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फाइनेंस और FMCG ने अच्छा किया, बाकी सभी निगेटिव है। अगर इंडिसेस की बात करें तो इंडिया विक्स 4 पॉइंट बढ़ के 15.18 तक गया, हो सकता है ये 17 तक भी चला जाए आपको इंडिया विक्स। अगर हम इसके FIDI की बात करें तो FIDI ने जो 1 अगस्त को बेचा है 1,056 और 2,888 करोड़ को 2 अगस्त को बेचा है, तो क्यूमुलेटिव देखें तो अभी तक 4,000 करोड़ को ये बिकवाली कर चुका है। जबकि इसी डाटा को हम अगर जुलाई में देखें तो जहां ये मार्च अप्रैल में बाइंग हो रही थी, मई में चालू हुई सेल, जून में सेल चालू हुई, और जुलाई में देखिए 17,000 करोड़ की कैश सेलिंग कर चुका है ये, जबकि DI भी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ पे ध्यान रखें। जब FNO की बात करें, FNO में भी आप देखेंगे तो FNO में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल ही हो रहा है और FNO में भी 2,048 करोड़ का सेल हो चुका है अभी। यहाँ पे FII की फ्यूचर का डाटा नहीं, 1 तारीख का ही है, 2 का नहीं है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2,800 करोड़ की खरीदारी भी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको मंथ टिल डेथ 31 जुलाई तक का ही डाटा है इसमें। यहाँ पे बिकवाली है, खरीदारी है इक्विटी में, और डेब्ट में थोड़ी सी बिकवाली की है। FII की बात करें तो यहाँ पे मंथ टिल 1 अगस्त को 1,166 करोड़ का इक्विटी में सेल किया है FII ने, और डेप्ट में भी सेल किया है। और इसी को अगर हम जाकर के मंथ वाइज देखें तो जुलाई में टोटल 10,000 करोड़ का फ्यूचर में सेल हुआ है, जबकि इंडेक्स में बाइंग किया है म्यूचुअल FO ने, फ्यूचर ऑप्शन में FII ने। और जहां म्यूचुअल फंड की बात करें तो जुलाई में 11,000 करोड़ की इक्विटी में बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने, जबकि डेप्ट में 42,000 करोड़ की बाइंग की है। FII अगर देखें तो 13,000 करोड़ की यहाँ से सेल किया है इक्विटी में, डेप्ट में 8,000 करोड़ की बाइंग की है। म्यूचुअल फंड बाइंग तो कर रहा है लेकिन आप इसे कहीं 11,000 से ज़्यादा 42,000 करोड़ ये डेप्ट में बाइंग कर रहा है, एक चीज़ ध्यान देखने की बात है। दूसरा आप देखेंगे अभी भी FII 16,000 करोड़, भले DI बाइंग करके उसको सपोर्ट कर रहा है लेकिन एक इसकी लिमिट होगी और वहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मार्केट में अभी गिरावट मुझे नहीं लगता है कि रुका हुआ है, रुकता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे इसको 10,800 से 11,300 का रेंज यहाँ पे दिखता है, जो हो सकता है कमिंग 2-3 वीक्स में आपको देखने को मिले और यहीं पे सपोर्ट लेते हुए दिखे। अगर लॉन्ग बेसिस पे भी देखें तो लॉन्ग बेसिस पे देखेंगे तो अर्लियर यहीं पे यहाँ से एक ब्रेक हुआ था, तो इसी रीजन में ये बहुत दिन तक यहाँ पर ट्रेवल किया था जिसको पार नहीं कर पाया था। अप्रॉक्स कहे तो यहाँ पे 30/11/2018 से लेकर के और 19 फरवरी, 30/11 मतलब दिसंबर से फरवरी 2 महीने के आसपास यहीं पे वॉक किया था, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे भी 10,500 ये लोअर लेवल जो है 10,500 का है, टूटता है तो, और ऊपर 10,800 के रेंज में बहुत दिन तक अप टू
ये बहुत दिन तक लंबा ले सकता है, हो सकता है दिसंबर तक आपको यही रेंज में आपको देखने को मिले। उसके बाद जब बाइंग आएगी अक्टूबर तक, सॉरी अक्टूबर तक ये रेंज तक आपको, अक्टूबर नवंबर तक ये रेंज तक आपको देखने को मिल सकता है। अभी रेंज बाउंड ये, और जो रेंज बाउंड दिख रहा है वो अभी दिख रहा है 10,800 से 11,300। अगर इसी चीज़ को हम जाके एक बार डेरिवेटिव में भी देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 8 तारीख की एक्सपायरी की जो 10,997 पे क्लोज हुआ है 2 तारीख को, तो अगर 11,000 पे देखें, 10,900 के आसपास देखें, एट द मनी 10,950 पे देखें, तो यहाँ पे 3,01,000 से बाइंग हुई है कॉल की ओर, और ऊपर में जो बाइंग हुई है मैक्सिमम 11,100 तक हो रही है, उसके बाद यहाँ अनवाइंडिंग हो रही है। तो ऊपर 11,100 का दायरा दिख रहा है आपको, और नीचे की ओर जो बाइंग हो रही है पॉजिटिव 10,950 तक दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इसके पास 10,900 पे और 10,800 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये एक रेंज बाउंड में हो सकता है, बाइंग नहीं है, बेरिश मोड है। तो निफ्टी पे अभी भी बेरिश मोड ही है, आप चाहें तो इसके कंपोनेंट को, इंडेक्स को या निफ्टी को चाहें तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन में रहें तो आपको शायद ज़्यादा फायदा होगा कंपेयर टू लॉन्ग। तो अभी भी मेरा कहना है कि आप चाहें इसके, जैसे इंडिया बुल है इस पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेदांता में बना सकते हैं, जी में भी बना सकते हैं। लॉन्ग बनाना है तो आप ICICI में बनाइए जो कि आगे जाके आपको काम दे सकता है। तो ये सब सेक्टर हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, वाच कर सकते हैं। टाटा मोटर्स पता नहीं कहाँ तक गिरेगा, ये 100, इसका अच्छा खासा 128 130 पे सपोर्ट है, अगर ये किसी तरह ब्रेक करता है तो बहुत ही नीचे जा सकता है, और 2 डिजिट में भी ये आ सकता है। और जैसा पैटर्न है, जैसा ट्रेंड चल रहा है, लगता है ये 2 डिजिट में जाने के लिए तैयार है टाटा मोटर्स। तो वॉच लिस्ट के पोजीशन रखें। मारुति, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, 5,500 का टारगेट था, देखिए इसने लो जरूर 5,500 का टच कर लिया और 52 वीक 5,400 बना लिया, लेकिन अभी भी ऑटो सेक्टर में, ऑटो इंडेक्स में कोई अभी खरीदारी नहीं आई है, तो शायद ये अभी यहाँ से टूटता हुआ आपको और देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 50 कुछ छूटा नहीं है, मुझे लगता है 10,500 एक बार आपको देखने को मिल सकता है, 11,100 और 11,300 पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सब इसका रेसिस्टेंस है, उसे क्रॉस करने में तकलीफ हो सकती है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स जो आप देखेंगे यहाँ से एक लेयर अपर साइड मिड स्टैंड 17 तक है, तो अगर ये अपसाइड उठा है तो शायद 17 तक जाने की कोशिश करेगा और वहाँ मार्केट नीचे की ओर आते हुए दिखेगा। तो हो सकता है इस बार इंडिया विक्स आपको 17 के आसपास, 17.57 के आसपास जाते हुए दिखे, तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। तो वापस निफ्टी मेरे लिए बेरिश ही है, जब तक FII की बाइंग मुझे नहीं दिखेगी यहाँ वीकली बेसिस पे, तब तक कैश सेक्टर में एटलीस्ट नहीं दिखेगी, तब तक मेरे लिए बेरिश पोजिशन ही रहेगा। मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप कोई भी बाई सेल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।